हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एहसान टैग। फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एहसान टैग में। जो यूट्यूब पर वीडियोस वायरल करने का जो मेन टॉपिक होता है उसे हम थंबनेल कहते हैं। सीओ इंजन, सर्च इंजन, जो कुछ है सब इसके बाद में आता है। क्योंकि मान लीजिए आपकी वीडियो अगर सर्च में भी आ रही है, अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं है तो लोग उस पर क्लिक करने ही करेंगे, स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आप इस तरह का जो थंबनेल है किस तरीके से बनाएंगे, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, मिनिमाइज करके कट कर देते हैं और आप फिक्सर लैब न्यू फिक्सर लैब को ओपन कर लेते हैं। जब ओपन करेंगे तो यहाँ कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से साइज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से साइज इमेज साइज करेंगे और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे और जो टेक्स्ट आ रहा इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम बैकग्राउंड किस तरीके से लगाएंगे, उसके लिए हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे और उसके बाद हमारा ये देख लीजिए रेड कलर का, हम तीन कलर के बैकग्राउंड लेंगे तो हम यहाँ रेड लेते हैं, उसके बाद फिर प्लस करते हैं, उसके बाद ब्लू लेते हैं, इसे प्लस कर देते हैं, उसके बाद हम प्लस करके एक और लेंगे जो कि हमारा तीन लेंगे और इस तरीके से हमारे ब्लू ग्रीन ये आ गए। अब हम इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। सबसे पहले हम जो हमने ग्रीन लिया है उसकी थोड़ी सी लेंथ को बढ़ाएंगे, बढ़ा कर इसको इस तरीके से जैसा आप डिजाइन में रखना चाहो उस तरीके से रख सकते हो। चलिए आप थोड़ा अगर रोटेशन रखना चाहो तो रोटेशन में रख सकते हैं, इस तरीके का आप रोटेशन अगर रखना चाहो तो यहाँ इस तरीके से रख लीजिए। उसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं और इस दूसरे को भी यही सेम पोजीशन देने के बाद, ये बैकग्राउंड आपको कहाँ से मिलेंगे इसका भी प्रोसेस मैं इसी वीडियो में बताऊँगा, ये जो किस तरीके से इसको हमें करना है। यहाँ यहाँ जितना चाहो आप उतना उस तरीके से इसे बड़ा कर सकते हो। बड़ा करने के बाद फिक्स करने के यहाँ आ जाते हैं और इसको हम लॉक कर देते हैं, बैक आ जाते हैं। अब हमारा वाइट बचा, वाइट को हम इस तरीके से इसको भी इसके लेवल में कर लेते हैं। यहाँ यहाँ कर लिया हमने और इसको यहाँ जैसे जिस तरीके से थोड़ा सा इसको भी हम रोटेट कर देते हैं यहाँ और इसी के लेवल में रख लेते हैं। अपनी आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जैसा चाहें वैसा कर दीजिए। चलिए हम नीले वाले को भी अनलॉक करते हैं और नीचे वाले को यहाँ नीचे ले लेते हैं और वाइट वाले को यहाँ हम यहाँ इसकी लेवल में कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्योंकि आप नए हो तो इस तरीके से करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। आप यहाँ कर लोगे जितना आप यहाँ रखना चाहते हो उतना आप यहाँ से रख लोगे। थोड़ा सा मैं मिला देता हूं आपको थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ इस तरीके से मिला दिया। अब मैं नीचे वाले को भी इसके लेवल में कर लेता हूं क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, तो फिर मैं इसी को इसके लेवल में कर देता हूँ। इस तरीके का आपको बना लेना और सबको यहाँ सबको इस तरीके से लॉक कर देना। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट काम है आपको यहाँ सेप पर आना, सेप पर एक वाइट सेप लेना और इस तरीके से यहाँ फिक्स कर देना और इसको क्लिक कर देना और इसके बाद यहाँ आ जाना है इरेजर पर क्लिक करना। ये इरेजर का जो सेकंड है उस पर क्लिक करोगे और यहाँ अपने हिसाब से अपना जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगता है वो यहाँ क्रिएट कर लीजिएगा और ये सेकेंड नंबर के ऑप्शन को क्लिक करिए और राइट क्लिक कर दीजिए। आप में जो भी शेप अपना रखना चाहूँ तो यहाँ से इस तरीके देख लीजिए, मैं रख रहा हूँ, आप यहाँ रख दिया और इस शेप को भी आप लॉक कर दीजिए जैसे मैंने कर दिया। इस तरीके से ये शेप लॉक हो गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपल अपने इमेज को ड्रैग करेंगे। इमेज ड्रैग करने के लिए मैं गैलरी में जाऊँगा। यहाँ गैलरी में जाने के बाद इसे कट कर देते हैं। यहाँ गैलरी में जाते हैं, गैलरी, और यहाँ मेरा इरेज है और ये मेरा एक फोटो है, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। इस वाले को यहाँ हम डिलीट कर देते हैं और इसको इस तरीके से यहाँ ड्रैग कर, पहले ये ड्रैग कर सकते हैं या फिर उसके बाद आप अगर चाहो तो किसी यहाँ टेक्स्ट को भी ड्रैग पहले कर सकते हो। अब इसके लिए हमें क्या करना है, अपने यहाँ टेक्स्ट पर स्टाइल पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे हम लिख देते हैं यहाँ मोबाइल से हिंदी में लिखते हैं, चलिए हिंदी में ही सही रहेगा। यहाँ हम मोबाइल से लिख देते हैं, ओके पर क्लिक कर देते हैं और इसका जो कलर है कलर हम अलग रख देते हैं। मान लीजिए हमारा ये रेड है तो हम जैसा चाहें उसको वैसा दे सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ
इसका फॉन्ट भी सिलेक्ट करना, जैसे फॉन्ट का साइज या स्टाइल आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। मैं आपको सिंपल यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, आपको अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से एकदम कमाल के तरीके से यहाँ बना लेना है। और जैसा इनका यहाँ इस तरीके से यहाँ रख देना है यहाँ मोबाइल से। और उसके बाद आगे हम अगला नेक्स्ट लिख लेते हैं, यहाँ यहाँ YouTube लिख लेते हैं। और इसका YouTube लिखने के बाद इसका भी हम साइज को बड़ा करेंगे, बड़ा कर दिया, ओके करेंगे। और इसका भी जो कलर है वो हम जैसा मर्जी चाहें, जैसे चलिए हम यहाँ रेड कलर ले लेते हैं। और इसका जो भी आप साइज चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें इसे रोटेशन में चाहिए, थोड़ा सा रोटेट करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना है। जैसे जितने डिग्री यहाँ रोटेट अगर आप कर लोगे उतने डिग्री यहाँ से रोटेट हो जाएगा। अब रोटेट करोगे, अब इसका साइज ले लेते हैं, जितना साइज आपको बढ़ाना है या घटाना है उस तरीके से आप फिक्स कर लीजिए। रोटेशन की डायरेक्टली आप इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हो। और उसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे थंबनेल्स, और इसको भी ड्रैग करके इधर कर देते हैं। और इसका साइज भी चेंज करने के बाद कलर चेंज करते हैं, यहाँ कलर चलिए हम इसका जो कलर है वो ब्लैक कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे। और इसका जो साइज है वो हम बढ़ा देंगे इस तरीके से, जितना चाहें आप यहाँ यहाँ रख देंगे। उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, गैलरी में जाएंगे, यहाँ हम क्या करेंगे इरेजर पर जाकर एक यूट्यूब का लोगो यहाँ से लेंगे। सिंपल लोगो लेने के बाद हमको इसको ड्रैग करके यहाँ छोटा कर देना है, और इसको जैसा चाहो आप वैसा यहाँ रख सकते हो। अगर आप चाहो तो आप मान लीजिए आप थंबनेल लगाना चाहते हो इसके, तो गैलरी पर क्लिक करिए, और जो छोटे छोटे यहाँ गैलरी पर क्लिक करिए, जाइए पिक्चर्स पर जाइए और अपनी कोई भी जैसे थंबनेल मान लीजिए ले लीजिए। थंबनेल लेने के बाद यहाँ एक अपना थंबनेल है वो सिलेक्ट कर लीजिए, चलिए हम कोई भी एक थंबनेल जैसे यहाँ इस तरीके से ये लेकर यहाँ कर लेंगे। और यहाँ से इसको सिंपल थोड़ा सा यहाँ आपको ड्रैग करना है, यहाँ ड्रैग करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अलग अलग जो थंबनेल हैं वो आपको यहाँ लगा लेंगे, जैसे यहाँ लगा देता हूँ एक, और यहाँ से गैलरी लेते हैं और एक थंबनेल चलिए हम यहाँ से एक और थंबनेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से यहाँ, और इसको भी सिंपल ड्रैग करके यहाँ पर रख देते हैं। अब इसमें जो भी डिज़ाइन अगर आप देना चाहो, तो मान लीजिए आप ड्रा से देते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ भी ड्रा कर दीजिए या ड्रा करके आप ओके कर दीजिए, आपकी जो ड्राइंग है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें और कुछ सजाने के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कर सकते हो। इस तरीके से आप एकदम अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हो, और जो क्लिकेबल होगा वीडियो पर व्यूज 100% लगेगा। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।